नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे इस चुनाव चिन्ह, इस उंगली के निशान के ऊपर मोहर लगा करके मुझे 5 सालों तक अपना राजनेता चुना है। धन्यवाद। अब 5 सालों तक मेरे पास ये अधिकार है कि मैं आप सबकी खून पसीने की कमाई को लूट लूट करके अपनी तिजोरियाँ भरता रहूँ। वो क्या है कि पॉलिटिशियन बनने के लिए, एक राजनेता बनने के लिए हमें कोई जनरल अवेयरनेस का, कोई जनरल आईक्यू का एग्जाम क्लियर नहीं करना होता। हमें करना होता है तो क्या, करप्शन। हमें बोलना होता है झूठ। वो क्या है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज का, हम पॉलिटिशियंस का हमेशा इलेक्शन से पहले एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर कुछ बड़े बड़े नाम, कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हमें झूठ बोलना होता है आपसे बार 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 बार। वो टॉपिक्स क्या हैं? गरीबी, एजुकेशन सिस्टम, डेवलपमेंट, पानी, बिजली, रिजर्वेशन, एंड इट गोज सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। अब हम ये करप्शन करते क्यों हैं? वो क्या है कि हम राजनेताओं के बीच में, हम पॉलिटिशियंस के बीच में भी फ्रैक्शंस होते हैं, कास्ट सिस्टम होता है, गरीबी, गरीब और इलीट। अब ये गरीब पॉलिटिशियन क्या होता है और ये इलीट पॉलिटिशियन क्या होता है? गरीब पॉलिटिशियन वो लोग होते हैं जो पिछले 10-15 साल से बार बार इलेक्शंस जीत करके एमपी या एमएलए बने हैं, लेकिन 15 साल बाद भी उनके पास क्या है? एक स्कूटर, 2 कमरे का मकान और एक ईएमआई। वहीं जो इलीट पॉलिटिशियंस होते हैं उनके पास होता है पिछले 5 साल के अंदर ही कई सारे बंगले, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारा बहुत बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस और ऐसी गाड़ियां जिनको देख करके जनता जलती है। अब मैं अपना कैटेगराइजेशन किसी गरीब पॉलिटिशियन में तो करवाना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी तोंद भरने के लिए। अब आप लोगों ने फिल्म स्टार्स देखे होंगे जिनके पास 6 पैक एब्स होते हैं, आपने स्पोर्ट्स पर्सन भी देखे होंगे जिनके पास 6 पैक एब्स होते हैं जो फिट होते हैं, लेकिन कभी आपने सुना है किसी पॉलिटिशियन के पास 6 पैक एब्स हों? जी नहीं, क्योंकि हमारी तोंद जो है वो करप्शन से, झूठ से, घूसखोरी से, इस सब से हमारी तोंद इतनी बड़ी हो गई है। और अभी जैसे आप देख रहे हैं मेरी ये तोंद छोटी सी है, मेरा ये एम है, मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आने वाले 5 सालों के अंदर इस तोंद को यहां से यहां पहुंचाऊं और फिर 15 साल बाद ये मेरी तोंद इतनी बड़ी हो। वहीं जब मुझे वोट करने की बारी आती है तो ऑल माई जनरल अवेयरनेस, ऑल माई जनरल ई क्यू, ऑल माई जनरल नॉलेज गोज डाउन द फ्लश। यू नो, मुझे एक फोन खरीदना होता है, व्हेन आई सिंपली हैव टू बाय अ फोन, आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी डेज। मैं ऑलमोस्ट हर वेबसाइट पे जाकर के ऑलमोस्ट हर फोन को चेक करता हूँ, ऑलमोस्ट हर कंपनी की, हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर फीचर के ऊपर, कौन सा इसमें, कितनी इसमें रैम है, कितना इसमें यू नो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें, दैट काइंड ऑफ स्टफ आई डू रिसर्च फॉर दैट फॉर लाइक अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन आई बाय अ फोन एंड प्रोबेबली फॉर लाइक 10 to 14,000, राइट। लेकिन वहीं जब मुझे इलेक्शंस के बारे में और इलेक्शन टाइम पे वोट करने का मौका मिलता है, आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कभी भी रिसर्च किया हो इस बारे में कि जो पॉलिटिशियन सामने खड़ा है, जो मेरे इलाके को, मेरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है एज एन एम पी और एन एम 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 एस्पायरिंग एम एल ए, वो या फिर जो पार्टी जिसने उसको खड़ा किया है उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, हाउ दे हैव फेयर्ड इन पास्ट। यू नो आई नेवर सिंपली डू दैट बिकॉज यू नो आई डोंट हैव अ दैट काइंड ऑफ अ टाइम, तो मुझे उस इस सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है यार। आई नीड टू वॉच गेम ऑफ थ्रोन्स, आई नीड टू गो ऑन ब्लाइंड डेट्स, आई हैव टू यू नो वॉच मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच, फुटबॉल मैच, यू नो वेल गेम्स भी खेलनी है यार, मुझे ये सब कुछ करना है। तो कहाँ है मेरे पास टाइम कि मैं रिसर्च करूँ कि कौन सा पॉलिटिशियन जो है ना उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, वो मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है? आई डोंट सिंपली केयर, आई डोंट डू दैट। हम लोगों के पास मौका होता है अपने फ्यूचर को बदलने का, अपने डिमांड्स को मीट करने का, अपने खून पसीने की कमाई से जो टैक्स दिया जा रहा है, जिस टैक्स से वो पॉलिटिशियंस की तनख्वाह जाती है, उस तनख्वाह को उस तनख्वाह का जस्टिफिकेशन मांगने का। बट आई डोंट केयर, आई डोंट डू दैट। यू नो ये मेरे लिए कोई, ये मेरा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं है, इट्स नॉट माई राइट, इट्स नॉट माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आई कंसिडर इट मोर एज अ माई ड्यूटी, एज माई वर्क, अ माइंडलेस वर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे दिया है कि मुझे हर 5 साल में करना है,
and I simply go to a polling booth, I stand in a line, and I put a stamp on any bloody political sign, and I just forget about it. और उसके बाद फिर मैं अपने दोस्तों के साथ उसका डिस्कशन करता हूँ कि यार ये पॉलिटिशियन या ये एमएलए या ये पार्टी जो है ना इस तरह से काम कर रही है, एंड दे आर जस्ट लाइक ब्लडी यू नो सकर्स, दे डोंट डू वर्क फॉर अस, दे आर नॉट डूइंग वर्क कि उनको प्रोग्रेस के ऊपर काम करना चाहिए या उनको अच्छे काम करने चाहिए, दे आर सो ब्लडी स्टूपिड. लेकिन मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं उनसे बड़ा बेवकूफ हूँ यार, आई मीन आई लिटरली एम एंड आई एम फजिंग प्राउड ऑफ इट. सो मुझे यकीन है कि मैं आने वाले इलेक्शंस में भी इसी तरह से माइंडलेसली इस उंगली के निशान के ऊपर मोहर लगाऊंगा, और ये जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है वो काम मैं करता रहूंगा, एंड आई होप आप भी करते रहेंगे. और लेट्स मेक आवर फ्यूचर ब्राइट बाय यू नो वोटिंग फॉर दिस साइन. एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज subscribe, share and like this YouTube channel. Follow us on YouTube. The description is given in the link is given in the description. And agar aap logon ke paas koi suggestion ho, koi topic ho jiske upar aap chahte hain ki hum is tarah ka koi video banaye, then please write it down in the comments. And hope to see you soon. Sayonara. Bye bye.